बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं नबील हमाद अलमदानी चैनल देख रहे हैं क्रिकेट का जुनून। आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। पाकिस्तान नेशनल टी ट्वेंटी कप वन के पी के वर्सेज सिंध मैच समरी। मैच समरी, सिंध के पी के ने टॉस जीके पहले बॉलिंग की। सिंध ने पहले बैटिंग करते हुए 152 रन बनाए, 6 खिलाड़ी आउट हुए मगर 20 ओवर में। सिंध की जाने से शान मसूद ने 54, अनमर अली ने 34 रन नॉट आउट, शजी खान ने 26 रन बनाए। केपीके की जाने से इफ्तिखार अहमद ने 2, नियाज खान ने 1 और आसिफ अफरीदी ने 1 खेल को आउट किया। केपीके ने 153 रन का टारगेट 18 ओवर में चेस कर लिया। इफ्तिखार अहमद ने 55 रन नॉट आउट 34 बानों पे। साहबजादा फरहान ने 49 रन नॉट आउट 37 बानों पे। मुसद्दिक अहमद ने 26 रन बनाए। के पी के की जाने फिर जाहिद महमूद ने 1, सुहेल खान ने 1 और दानिश अजीज ने कोई आउट नहीं किया। इस तरह ये मैच के पी के ने ये मैच 7 विकेट से जीत लिया। 12 बॉल लेफ्ट और इफ्तिखार अहमद के पी के कप्तान मैन ऑफ द मैच करार पाए हैं। 2 विकेट्स भी ली और बैटिंग में भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। तो एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि अब आपको नेशनल टी ट्वेंटी कप में हमारे जो स्टार खेल रहे थे, जो टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल हुए हैं, अब वो आपको नहीं दिखाई देंगे। जिस तरह के पी के कप्तान मोहम्मद रिजवान थे, वो अब नहीं खेलेंगे। के पी के में शाहिद अफरीदी थे, फखर जमान थे, अब वो टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल हैं, तो अब उन्होंने अपनी मतलब गुजारेंगे आइसोलेशन में। उसके बाद सिंध की जानब से भी सरफराज अहमद कप्तान थे, उनकी भी उनको भी टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल कर लिया है। तो इससे अब सरफराज अहमद भी नहीं होंगे। कैप्टन अनवर अली उनके वाइस कैप्टन थे, तो कल के मैच में अनवर अली ने कैप्टनसी कप्तानी की है। तो के बी के ने यह मैच जीत लिया है 7 विकेट से। मैं कहता हूँ आपको वीडियो पसंद है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर को देखो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।